तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज है सैटरडे नाइट और आज हमारा सीन बन चुका है कहीं जाने का, लेकिन कहाँ जाने का ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि अभी फराज आ रहा है एसन के पास और हम लोग एसन के पास जा रहे हैं और मेरे साथ अली भी मौजूद है, तो लेट्स सी हम लोग कहाँ जाते हैं और वहाँ जाके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जब तक के लिए कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ इधर, यह है पूरा व्लॉग। यार ये अभी मैं जस्ट घर से बाहर ही निकला और जिस तरह हवा चली मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कराची में नहीं कहीं नॉर्दर्न साइड पर आ चुका हूँ। तो खैर मैंने देखें एक टी शर्ट पहनी है, अंदर भी एक स्वेट शर्ट है और फिर एक जैकेट है और मेरे साथ अली भी है। अली को पता नहीं कुछ देर ठंडी लगती पर मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस बार, वैसे मुझे लगती नहीं है। कराची के अंदर जब सर्दियाँ होती हैं तब भी इतनी ठंड नहीं लगती जितनी ठंड अभी इस टाइम पर लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। अली व्हाट अबाउट द ठंड ऑफ कराची? यार ठंड अचानक आई है, अनएक्सपेक्टेड ठंड आ रही है, इतनी तो जब दिसंबर में सीजन था उस टाइम में। जैसा कि मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अभी फराज भी आ गया, एहसन भी आ गया और अली ये लोग इनके साथ हैं और मुझे मेरा बचपन का बहुत ही ख़ास बेहतरीन दोस्त मुझे मेरा मिल गया था उबैद, तो उसने कहा मैं भी चलूँ। मैंने कहा चलो वाई नॉट। तो अभी बाइक की चाबी लेने गया कि मेरी बाइक पर तीन बैठ नहीं सकते तो उसकी बाइक पर जा रहे हैं, तो ये अभी जैसे याद है मैं आपको मिलवाता हूँ। तो भाई तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया मेरा बचपन का दोस्त उबैद ये रहा, वो अब मेरा बचपन का दोस्त रहा नहीं है क्योंकि इसकी अब शादी हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना, मैं क्या करूं, बस अल्लाह पाक क्या बोलूं मैं, इसकी तो किस्मत इस मामले में इसकी किस्मत ऐसी है बस मैं बता नहीं सकता। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, तो बहुत आग लगती है इसकी किस्मत देख के इस मामले में। ये इतना चलाता है क्या बताऊँ, बस सारा मेरा दर्द कोई नहीं देख सकता यार, मैं क्या बताऊं। तो भाइयों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रूफ यार्ड के अंदर, असल में हमें पता नहीं था ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, बैद ने हमें सजेस्ट करा कि भाई रूफ यार्ड चलो। और ये एहसन भी मौजूद है, फराज। हाँ भाई फराज, ये भाई फराज को अब मैं का वेट कर रहा हूँ। अच्छा बना हुआ ये भी है, अभी उबैद आता है तो फिर मैं बात। अभी बस हम परेशान हुए हैं, क्या करने क्या नहीं करने, वो ठंड यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा हो रही है। अंगीठी मंगवा रहे यार, अंगीठी मंगवानी है, सस्ती और अच्छी जगह पे आ जाए ना तो फिर गरीब का यही हाल है। तो भाइयों अभी हम लोग बाइक पे आ रहे थे तो हमें पता चला कि उबैद ने हमें एक बताया कि उबैद ने और उसकी गैंग ने मिलके एहसन को इसको बहुत मारा था, कुत्तों की तरह मारा था। अब हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, इस चीज पर देखेंगे कि कितनी सच है या कितनी झूठ। उबैद उबैद मारा था नहीं मारा था, खुल के बताओ, डरना मत, इससे कुछ नहीं कर सकता। मैं बाइक पे जो बता रहा था इसको याद नहीं होगा, मेरा ये हर किसी से कुटा है यार, कैसे मारा था कुछ यार, मार मारी आपने कुछ तो याद होगा, मारा तो बहुत लोगों याद नहीं, नहीं इसका पता, इसको इसका कोई सीन ऐसे था, कामरान भाई नहीं है चिप्स वाले, उनके घर के साथ में ना मैं और मैं वही रहता ना, हाँ हाँ वही रहता, मैं और निशान थे, शायद तुझे याद आ रहा, कुटाई याद आ रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हम लोग कहीं जा रहे थे मार खाने के बाद भाई, मैं मेरा हर बंदा मार खाने के बाद भूलता हूँ किससे दुनिया, यहाँ से ना बहुत लोगों से कुटा है, समझ गए होंगे देखने वाले। मैं बोल रहा हूँ इसको गलत याद आ रहा है, मैं आपको 110% ज्यादा कुटा था। हाँ हाँ भी बोल।
तुमने शायद हाँ इसको मार लिया ना, कह रहा है बुला रहा हूँ मैं अपने भाई को, कोई बड़ा भाई है तेरा? नहीं ना, अबे मैं बुलाऊँ और होगा इसका पहले बोल ले भाई, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये भाइयों बकौल एसन के एसन बोल रहे हैं कि 2016 तक तो इलाके में नहीं होता था, और 2016 में अली भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने सिक्स क्रिकेट खेला है। अली अलकासी बिन 2016-15 में तो मैं जाहिल को अपना कप्तान कप्तान बोलता था। नो भाई, टीम जब ही तो गई टीम ऐसी। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, मेरा इस इलाके के ना ऐसा कोई बॉलर का सीन हो ही नहीं। अबे भाई जा, तुझे पोटरी समझ के लोग मारते थे, तू बातें कर रहा है। भाई फराज इधर आओ, आप इतने खामोश खामोश क्यों बैठे हो यार? सुन रहा हूँ यार, क्या नहीं मिला वो पता है इस टाइम हुआ है सीन बता रहा भाई। जिशान ने बॉल फेंकी थी। हाँ भाई याद आ गया, याद आ गया। मावेस ने इसका बाप बोल और ये मुझसे ही पिटा था। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है यार। जिस तरह मां सफदर का वासिल है, इस तरह मेरा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 107 सब्सक्राइबर होंगे। और ये कैमरा खुलते ही इसने मुझसे पूछा है कि खाएगा, वैसे इससे नहीं पूछा था यार। बात सारी है कि अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, इससे पहले हम जब उम्मीद वगैरह पे जाते थे ना, वहाँ पे जस्ट चाय मंगाते थे, देखो चाय। और यहाँ पे इस बार उन्होंने रोल मंगाया और हमने कुछ खाने पीने को मंगाया। समझ रहो, समझ रहो, असल में पुराना दोस्त मिला है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिखाने के लिए, वरना तो हम चाय भी लाते। असल ने मुझे बोला कि व्लॉग बन कर वो कुछ लेगा। क्या लेगा? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लेने की बात नहीं। लड़की बिल्कुल ऐसे ही है, ये मगर तो यार अभी हम लोग फारिग बैठे हुए थे, दो बंदों ने तो फोड़म फाड़ी कर लिया। हम लोग अपने ऑर्डर का अपने मैंने चाय ऑर्डर ही नहीं की थी, मैं अभी अपना वेट कर रहा हूँ। जब तक ये क्या बोर हो रहे हैं, तो अब बोरियत में क्या किया जाए, अली का गाना ही सुनेंगे। हाँ भाई अली गाना सुना रहे हो? नहीं। तो यार ये हमारा ऑर्डर आ गया है, और माशाल्लाह हमारे साथ सारे दोस्त बैठे हुए हैं। ऐसा रोल कैसा था यहाँ का आप बताओ? अली भी चिप्स खा रहे हैं। यार बात ये है कि अब असल में मैं इनको ऐसी जगह पे लाया एक व्लॉग के चक्कर में, देखो मेरी अभी कोई अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं इन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इनको रोल शोल मैंने खिलाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें। हर जुम्मे हफ्ते हफ्ते मैं अपना सदका निकालता हूँ, तुम्हारे निकाल लिया, मजेदार हो यार। सिंगिंग कॉम्पिटिशन मैंने करवा दिया अली के और एसन के दरमियान, और ये कॉम्पिटिशन जो चलेगा वो चलेगा 30-30 सेकेंड। हाँ भाई अली। हाँ भाई एसन से पहले आप दिलवाने। अरे आप गाओ यार, आप छोड़ो यार, अपनी मर्जी के लिरिक्स बना देगा। गा रहा है नहीं गा रहा? अबे भाई इतना टाइम नहीं है, छोड़ो उसको यार। ऐसा तू गा ले। नहीं पहले रैप से क्यों? अबू है तेरे? अबू म्यूजिक मेहमान है, मेहमान का अबू बोलता है यार। आप इसके अबू जो बोल रहे पहले अबू को तो यार। उबैद ये बताओ, इसने मेहमान के बारे में कुछ बोला है क्या? गलत बात। उबैद के समझ लो कि उबैद के एक पुराना बाप मेहमान रह चुका है, उबैद को कितना बुरा लगा होगा। उस अब्बू का नाम है उमर फारूक। मैं आप बिल्कुल सही इस बंदे को देख रहे हैं, जो बंदा इस टाइम आपको दिख रहा है वही इसका अब्बू था, और इसका भी अब्बू है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फ्री में बात यार, अभी असल में हम बात कर रहे थे एसन गाना का, एसन गाना का आप बोल रहे मुझे एक और रोल खिलाओ। अब एक रोल तो मैंने स्पॉन्सर कर दिया, जबकि मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही है। अच्छा लेकिन हाँ यार, एक ही बात बार बार रोल क्यों मांग रहे हैं? ये पॉइंट है यार। तो मुझे असल में मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ही किसी खास की शादी होने वाली है, और शादी जो होने वाली है वो बस क्या बताऊं मैं, बहुत जल्दी फैसला हो चुका है। तो अब मैं आपको दोस्त भी दिखाना चाहूंगा। तो भाई दोस्त ये नहीं है, इसकी शक्ल नहीं है, सो लड़की थे ये दुबई की दुल्हन है, परवाही का नतीजा है। ये दुबई की दुल्हन है, मैं ऐसी ही बात। इसकी शक्ल दिखाओ मेरे साथ, बिल्कुल तेरा अब्बू जैसी लग रही है। मना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने न जाना, तेरे लिए मैं
काफी। क्यों यार फराज, आप हमारे बिल्कुल डिसेंट, हमारे पूरे उसमें डिसेंट बॉय हो, तो जरा ये बताओ कि यार आप क्या सोचते हो फ्यूचर के बारे में। यार ये आपका बेटा इतना बीच बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहा है फराज? लड़कियों का हेलिंग बन गया, चेक करो बताओ कैसे बन गया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तू बोल। हाँ तो यार फराज ये बताओ कि तुम डिसेंट बॉय, हमारी गैदरिंग है, तुम क्या देखते हो जिंदगी को, किस नजर से देखते हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। यार हम हंस क्यों रहे? हराम के पिल्ले तू है कौन? बता तो बता दो, किस नजर से देखते हो आप? दिखाओ बताने मेरे बेटे। तो यार अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मौसम ऐसा हो रहा था तो बातें भी निकली, तो जरा अली भाई से कुछ पूछने के लिए मैं आया हूँ कि अली भाई ये बताओ आप हमेशा अकेले अकेले रहते हो, ऐसा क्यों, मतलब क्या वजूहत है इसकी? यार दिल बहुत टूटा है। क्यों? बस जिनके साथ मैंने अच्छा किया उन्होंने मेरे मुंह पे जूते मारे। और हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। ये दुनिया ही ऐसी है, भरोसे का। ये जो डेंट पड़ा हुआ ये जूते का ही निशान है? ये जूते का ही निशान है, बहुत लोगों ने मेरे मुंह पे जूते ही मारे। और ये दौर ही ऐसा है उमर भाई, क्या करें आप खुद बताओ। तो फराज ये बताओ आपके साथ कभी कुछ ऐसा मामला सैड जूते वाला? नहीं, हर किसी को जूते थोड़ी पड़ेंगे, आपको क्या पड़े बेल्ट? नहीं यार ऐसा कोई सीन नहीं हुआ मेरे साथ। देख उमर भाई, फराज के पास जो चीज है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे भी कुछ ऐसी चीज। एक पोस्ट पे छह छह कमेंट आते हैं फराज के पास। क्यों? कौन से कमेंट आ रहे हैं? ऑसम, नाइस। तुझसे तो मैं पूछ ही नहीं सकता, तू कोई छक्का ना दे। लड़की क्या करता है तू? चीटिंग चीटिंग। यार हम लोगों ने गलती से बहुत ज्यादा मंगवा लिया था, अब बिल देने की बारी आई तो चेहरा उतर ही है यार हसन का। नहीं भाई मेरा बिल है। अभी कसम खुदा की अभी फराज से हिसाब कर रहा था, ये कैमरा खुलते ही शेयरिंग कर रहा है। तो भाइयों सारी चीजें करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और सारे हमारे साथ हैं, फ्लैश ऑन है, और बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पौने तीन हो गए और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। घर वाले गालियाँ दे रहे हैं हमें और कुछ नहीं, तो बस चलो फट जाके बात करता हूँ।